अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्यूवर्स, तमाम आशिकान रसूल को मेरी तरफ से रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। वैसे तो रात को चांद निकला है, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो तब भी मैंने आपको मुबारकबाद देनी है। तो व्यूवर्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, मैंने देखा कि ना कल ही, अब तक रात को चांद निकलना था, कल दोपहर टाइम ही ना इधर हमारे हैं हमसाए, तो इन्होंने झंडियाँ वगैरह लगानी स्टार्ट कर दी। तो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले चाँद निकलने से पहले झंडा वगैरह लगाता था लाजमी, और लाइटिंग वगैरह भी करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ। तो आज शायरी नहीं थी क्योंकि रबीउल अव्वल आ गया, शायरी वगैरह मैं नहीं, वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने कुछ शायरी याद भी नहीं की, ना कोई सोची कुछ भी। तो आज इंशाल्लाह हम लगाएंगे झंडियाँ वगैरह या झंडे वगैरह और लाइटिंग। टाइम हो गया तकरीबन 4 का, और 4-5 बजे मेरे शक अधान भी होनी है, और 3 दिन से मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। तो चलते हैं कुछ काम वगैरह करते हैं। और मैं बीज भी ले आया था पालक वगैरह के, आपको याद होगा कि हमने कुछ क्यारी टाइप बनाई थी, उधर बीज लगाने हैं, तो पहले बीज लगाते हैं उसके बाद मिलता हूँ आपको, आपको भी दिखाता हूँ बल के। व्यूवर्स, अभी मैं ले आया हूँ ये रंबा और ये बीज, तो हम लगाते हैं बल के बोते हैं बीज को। व्यूवर्स, ये देखें क्यारी की हालत, ये देखें इधर से बैठ गई मिट्टी, इधर से भी बैठ गई, और ये देखो। तो हम करेंगे इसकी एक बार दोबारा गोडी, और फिर इसे ना बीज बोएंगे इसके बेहतरीन करके, और इंशाल्लाह पालक आ जाएगी, बड़ी बड़ी हो जाएगी। और ये देखें ना, इधर कोई चीज़ उग रही है, ये देखो सारी पता नहीं क्या चीज़ है, और ये देखो इधर भी। चलो देखते हैं, अभी तो करते हैं हम गोडी, और इस तरह ना हम ये भी सेट कर देंगे। अल्लाह अकबर, इस तरह हम जल्दी से सारी की कर लेते हैं गोडी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी गोडी कर ली, और अब लगाएंगे हम इसमें बीज बोएंगे। व्यूवर्स, ये आ गए पालक के बीज। अच्छा, मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ पालक के बीज। और ये आ गया धनिया, ये तो मैंने खुश्क धनिया देखा हुआ है, ये वही है, और ये पालक। अब हम इधर तक लगाएंगे जो ना, इधर सारी पालक और उधर सारा धनिया लगाएंगे। और अभी हमने ऐसे जो मुझे अप्पू ने तरीका बताया ना, वो ऐसे करके लगाने, थोड़े थोड़े करके। और इधर तक हमने ये लगा लिया, ये देख सकते हैं आप। और अबू ने कहा था कि ऐसे ना, ऐसे हाथ से ना कोई ठाँप वगैरह देना, ऐसे काट देना। तो व्यूवर्स, अगर आपको इसका सही तरीका बोने का पता है तो आप बता दीजिए, तो फिर हम ऐसे ही लगा लेंगे। मुझे तो अभी सही नहीं पता, जो मुझे अबू ने बताया है वही। अब ये देखो कोनी बीज नज़र आ रहे हैं, और अभी हम इसे पानी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बीज है ना वो ऊपर आ जाएगा कुछ देर बाद, या फिर कल लगा लेंगे। और अभी आ गया धनिया लगाने की बारी, और इस साइड पे लगाएंगे हम धनिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसे मैं ढेर सारा लगा लेता हूँ। अभी बड़ी ख़राब है, मैंने सिर्फ ये लगाया तो मुझे सांस चढ़ गई, अभी सही ठीक नहीं हुआ ना, और बोला भी नहीं जा रहा अभी। तो अभी जाते हैं हम घर, फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद छांव साया भी आ जाएगा, और हम वो भी लगा लेंगे झंडे वगैरह भी। तो मिलते हैं फिर कुछ देर बाद।
व्यूवर्स, अभी मैं आ गया हूँ छत पे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टोर रूम। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह अकबर, यार दिखाने के काबिल ही नहीं है। और इधर पड़े हैं झंडे वगैरह, ये देखो झंडियाँ झंडे ये सब कुछ। और कुछ मेरे पास लाइटिंग वगैरह भी पड़ी थी, देखो ये पड़ी है, ये लड़ियाँ वगैरह। और एक जो बड़ा झंडा है आई थिंक ये बड़ा है, ये हम सबसे पहले लगाते हैं। ये उतार किधर ही मैं रख देता हूँ ना, ऊपर से ऊपर ही लगाया और फिर इधर ही रख दिया। ये हमने लिखा था या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह या मोहम्मद और माशाल्लाह। ये यहाँ पे लिखा था या अली। और अभी मैंने लगाना ऊपर चढ़ के झंडा, और अभी भी धूप, अल्लाह अकबर, अभी भी धूप काफ़ी है। और मैं सीढ़ी पे चढ़ के आया हूँ ना तो सांस चढ़ गई। और सामने जमात भी हो रही और मैंने नमाज भी पढ़नी, देखो मैं ऊपर आ गया नमाज याद ही नहीं। तो अभी जल्दी से झंडा लगाते हैं। अल्लाह अकबर माशा, यार इससे बड़ा भी झंडा था एक, पता नहीं ये था ये नहीं, नहीं इससे बड़ा में भी था, मैं देखता हूँ ना। व्यूअर्स अभी मुझे वो वाला शॉपर मिल गया और अभी मैं आपको दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ यार इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। मुझे तो लग रहा है एक झंडी होगा, आई थिंक नहीं दो झंडे। अल्लाह आ जाओ ऊपर। तो जो बड़े वाला झंडा था ना ये देखा, ये मुझे मिल गया। और अभी मुझे ये प्रॉब्लम बनी है, इशू है कि जो ये लगा हुआ है ना ये वाला, इस तरह का उधर भी लगा होना था और इधर भी लगा होना था, ये तीनों नहीं है। और झंडे मेरे पास पूरे हैं। और एक और भी मसला है, जो ये वाले होते हैं ना डंडे वगैरह जिसके ऊपर ये लगाने होते हैं, इसका भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है और ये भी नहीं है और इसका भी नहीं है छोटे का। तो अभी हम इसे करते हैं कल पे डिले। और मेरे पास पड़े हैं डंडे, ये देखें आप बड़े पड़े हैं पर दोनों, तो मुझे छोटे भी चाहिए। तो इसे अभी रखते हैं अंदर और कल, बल्कि इसे इनको धुलवा भी लेते हैं और कल फिर लगाएंगे हम डंडे भी ले आएंगे और लगाएं भी के भी सही, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गई है। अभी इसे रखता हूँ फिलहाल अंदर और रखती हैं अंदर। अभी हम चलते हैं नीचे और नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपको। व्यूअर्स मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुछ स्कूल का काम किया, बाकी इतना ही टाइम होता है कि शाम हो गई। शाम के बाद अभी मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कर दी जाए यार, और वीडियो अपलोड वगैरह भी करनी, काफ़ी पहले दिन हो गया नहीं अपलोड की। तो इधर ही व्लॉग का एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया लाइक चेक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप हाफिज़।